Hey viewers, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Myself Ummehani. तो कैसे हैं आप सब? आज बात करेंगे सेल्फ केयर की 5 easy peasy हैक के साथ. फर्स्ट है हमारा स्क्रब फॉर ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स. 1 teaspoon कॉफी ऐड करेंगे. 1 उसमें आलमंड ऑयल. आप आलमंड ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आलमंड ऑयल. 1 teaspoon आलमंड ऑयल ऐड करूँगी. और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी. मैं जब तक इसको मिक्स कर रही हूँ, आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं. एंड देन फिंगर की हेल्प से आपको अपनी नोज एरिया पे, चिन एरिया पे हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है. ये आपको वीकली 2 or 3 times यूज़ करना है तो बहुत अच्छा रहेगा. जेंटली स्क्रबिंग करने के बाद अच्छे से वॉश कर लें. मैं इसको वॉश कर लेती हूँ और चलते हैं सेकेंड DIY पे. सेकेंड है हमारा क्लिनजिंग. हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं मलाई को एज अ क्लिनजर. आपने दूध में से थिक क्रीम निकाल लेनी है और थिक क्रीम मिल्क आपके क्लिनजिंग के लिए बेस्ट है. थिक क्रीम लेकर आप उसको अच्छे से अपने फेस पे क्लिनजिंग करें एंड देन अच्छा सा मसाज दें. आप अपने फेस पे, हैंड पे इजीली यूज कर सकते हैं. क्लिनजिंग करके फेस को अच्छे से वॉश कर लें. थर्ड है हमारा लिप स्क्रब. लिप स्क्रब बनाने के लिए हमें बटर चाहिए होगा. एंड देन बटर में ऐड करेंगे हम शक्कर. शक्कर नहीं है तो गुड़ को पीस कर यूज कर लें, शुगर यूज कर लें. अपने बटर के हिसाब से आपको शक्कर ऐड कर लेनी है. ये एक बहुत ही बेहतरीन लिप स्क्रब बन जाएगा. स्पेशली इसका नाइट टाइम में स्क्रब करके वॉश करके लिप बाम अप्लाई कर लें. 100% आपको इसको सुबह रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. बटर थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में होगा, सो डोंट वरी. आपको अपने लिप पे अप्लाई करेंगे तो आपके बॉडी टेम्परेचर पे ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा. ये जो शुगर ऐड करेंगे आप, ये बहुत ही अच्छा माइल्ड स्क्रब के तौर पे आपके लिए काम करेगा. ओके, तो अब हम चलते हैं 4th hack पर. डार्क सर्कल्स के लिए हमें क्या लेना होगा? मेन इंग्रेडिएंट पोटैटो. आलू तो डार्क सर्कल्स के लिए बहुत इफेक्टिव है. आपने पोटैटो को श्रेड कर लेना है. फिर उसके बाद अपने हाथों की हेल्प से आप उसको निचोड़ लें. जो उसका सारा जूस होगा ना, वो सारा निकल जाएगा, जो कि वही हमारे लिए वर्क करेगा. आपने दूसरी कटोरी में सारे पोटैटो श्रेड जो आपने किया हुआ है उसको निचोड़ लेना है. अब हम इस पोटैटो जूस में कॉटन पैड लेके 2 बीज से कट कर देंगे तो
ये एक आई पैच की तरह दिखेगा, तो इसको अब हम पोटैटो जूस में डिप कर देंगे। जब वो सारा जूस अपने अंदर सोक कर लेगा तो आप उठा के उसको अपने आइस पर रख लें। बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इस तरह आप अपने आइस पर अप्लाई कर लें। फिफ्थ है हमारा हेयर ऑयल। बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा सरसों का तेल। सरसों के तेल में ऐड करेंगे हम एलोवेरा जेल, जो कि प्योर हो तो बेस्ट रहेगा। एलोवेरा जेल और सरसों का तेल दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे एंड देन हेड मसाज करके शैम्पू कर लेंगे। आपको फौरन ही रिजल्ट मिल जाएगा इसका। आपके बाल बहुत ही सिल्की स्मूथ शाइनी हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर।